बड़ी खबर के साथ, जहां खबर मिल रही है कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम बदल सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है इन कार्यक्रमों में। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मांग की है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग अब विचार कर रहा है। 18 जुलाई को नगरीय निकाय की मतगणना की तारीख बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होना है। 20 जुलाई को निकाय चुनाव की मतगणना की डेट हो सकती है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था, मांग की गई थी, और इस पर अब राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। तो अगले चरण की वोटिंग और काउंटिंग की डेट बढ़ाने की मांग की गई थी। पंचायत चुनाव की डेटों में काउंटिंग के लिए, चूंकि उस दिन राष्ट्रपति महोदय का चुनाव है जिसमें सभी माननीय विधायकगण को उपस्थित रहना ज़रूरी है, क्योंकि वोटर वही हैं, और सभी माननीय विधायक चाहेंगे कि जो काउंटिंग उनके क्षेत्र में हो रही है उसमें वो उपस्थित रहें। मुझे काफ़ी पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्ञापन मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि ये मांग वाजिब है, लेकिन सभी पक्षों से आनी चाहिए, तब हमें निर्णय लेने में सुविधा होगी। तो मांग ये है कि 18 तारीख को काउंटिंग नहीं की जाए और उसकी जगह 20 तारीख को की जाए, तो हम लोग ऐसा निर्णय लेंगे, 18 तारीख को काउंटिंग नहीं करेंगे और डेट हम फाइनल करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम 20 को ही काउंटिंग करेंगे। बीच में भी कुछ इलेक्शन है, उसके भी टाइम आगे पीछे होगा। जो 13 का इलेक्शन है उस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे पास बीजेपी का एक डेलीगेशन आया था ये कहने के लिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ लोग गुरु स्थान तक जाते हैं, और इसलिए इस दिन चुनाव नहीं किया जाए, 13 की जगह 14 या 15 किया जाए। तो मैंने उन्हें बताया कि उनकी बात में तथ्य है, उतना हम मानने को तैयार हैं। ये और बात है कि हमारे प्रदेश में 7-8 ज़िले ही ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, ख़ास तौर से खंडवा, लेकिन हम केवल एक दल के अनुरोध पर इलेक्शन की डेट नहीं टाल सकते। तो अगर जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेट टालने के लिए सहमति है, अगर वैसी सहमति होगी तो फिर हम विचार करेंगे और डेट डालेंगे, क्योंकि एक डेट खिसकने से हमारा पूरा जो प्रोसेस तय है, जैसे 13 का इलेक्शन था और 14-15 को हमारे पंचायत की काउंटिंग थी, वो डिस्टर्ब होती है। और अर्बन की काउंटिंग तो लास्ट थी 18 को, वो अकेला हटाने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो अगर सभी पक्ष सहमत होंगे तभी हम इस पर विचार करेंगे, नहीं तो 13 को ही चुनाव करेंगे। हाँ, बट चूंकि एक तिथि तो बदल ही रही है, 18 की तिथि 18 से 20 हो रही है, तो बाकी तिथियों को फिर हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि एक सहमति बने, केवल एक दल के कहने पर नहीं होगा। सर, निकायों में जो कम वोटिंग हुई है उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल लगातार सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को ले रहे हैं, सर क्या वजह रही? चुनाव आयोग को क्यों ले रहे हैं? चुनाव आयोग तो चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आदेश निर्देश जारी करता है, व्यवस्था तो सारी जिला प्रशासन करता है, और ज़िला प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से ये चुनाव किए हैं। जो शिकायतें हमें मिल रही केवल भोपाल की हैं, जो और जगह हैं वहाँ पे इक्का दुक्का केसेस हैं, जो आज तक तो हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ। सन तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि 18 जुलाई को परिणामों की घोषणा होनी है और उसी दिन राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना, उसके रिजल्ट आने हैं। आपको बता दें 13 जुलाई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, 17-18 को परिणाम घोषित किए जाने हैं, और इसके साथ ही 20 जुलाई को, हालांकि तारीख बताई जा रही है कि चुनाव की मतगणना डेट हो सकती है, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की भी मतगणना है। ऐसे में
अब तारीखें बदल सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मांग कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की गई। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार करने की बात कही है।